हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉगर सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे, परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो इसे कहते हैं फैमिली, जोर का झटका और जोरों से लगा, जो समर समर की मम्मी को लगा है गुनगुन के पापा के थ्रू। गुनगुन के पापा ने तो सिग्नेचर करवा लिया है और यहाँ पे समर की मम्मी का जो अंदर का जो मन का जो भड़ास था ना, वो भी निकल के बाहर आ गया कि तुम्हारी तुम्हारी बेटी की वजह से मेरे बेटे का घर खराब हुआ है। और यहाँ गुनगुन के पापा, आपको आपका फ्लैट मिल गया, अब इसमें इतना आप इतना क्या बोलने जा रहे हो, लेक्चरबाजी क्या दे रहे हो समर को कि राधिका के संग घर बसा लो, अपना सोच लो, जिंदगी बहुत लंबी है, बच्चों का घर बस जाए। अरे समर ये सब सुनने वालों में से नहीं है। उसकी जो मम्मी बोल रही है ना कि गांव चले जाएंगे, ज़मीन बेच देंगे और एक फ्लैट यहाँ खरीदेंगे, कुछ ऐसा नहीं करेगी। अभी यहाँ पे दोनों माँ बेटा प्रोग्राम बनाएंगे, अब राधिका राधे की मम्मी से जाकर मिलेंगे और यहाँ पे राधिका के हाथ पर फिर से जोड़ेंगे कि रहो मेरे बेटे के संग, या तो वो फ्लैट हमको दो, मेरा फ्लैट है, हम नहीं जाएंगे, वहीं पे सीधे जाके ये लोग रहने वाले हैं और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो समर का खरीदा हुआ फ्लैट है, राधिका तो अपने नाम की नहीं है, तो बेशक वो लोग जाके वहाँ रह सकते हैं। अब वो लोग क्यों नहीं रह रहे वो तो वही जाने, पर यहाँ पे तो वो लोग आराम से रह सकते हैं। राधिका कोई नहीं होती उनको वो घर से निकालने वाली, और ना ही कोर्ट उनको वो घर से निकाल सकता है कि वो घर अभी भी समर के नाम में है। और यहाँ पे समर जी, दो दो लड़कियों को नचवाओगे, एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में मेवा रखोगे तो यही हाल होगा। दोनों हाथ में ना मिठाई नहीं खाई जाती, एक ही मिठाई खाई जाती है। और दूसरी बात है, दो कश्ती में सवार करोगे तो नौका तो डूबेगा ही। तो यहाँ पे तो भाई, और एक चीज़ मैं गुनगुन के पापा से बोलना चाहूँगी कि प्रॉपर्टी के पेपर में सिग्नेचर तो करवा लिए हो, मगर वो प्रॉपर्टी के पेपर में नाम तो आपका नहीं चढ़ा हुआ है, ध्रुव तो अपना नाम लिखवा के लाया है, तो ये चीज़ आप देखें। तो यहाँ पे तो भाई, ध्रुव तो अपने नाम में रखा है, अब डिपेंड करता है ये कि ध्रुव अपने नाम से अपने ससुर जी के नाम में ट्रांसफ़र करता है कि नहीं। अब ये करना तो बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब होगा कुछ ज़्यादा ही पलटवार चीज़। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे तो अब लग रहा है कि ध्रुव ने ये जानबूझ के ही किया है, अपना नाम चढ़वा के अब वो फ्लैट ध्रुव का हो जाएगा। अब क्या पता ध्रुव गुनगुन को छोड़ दे। गुनगुन की तो ऐसी हालत है कि वो अभी ध्रुव ध्रुव का ही माला जप रही है, उसको तो आगे का कुछ याद है नहीं। और अगर आगे का याद आ भी जाता है तो भाई समर तो पूछने वाला नहीं है, क्योंकि जब फ्लैट ही नहीं रहा तो काहे की गुनगुन भाड़ में जाए। और समर की मम्मी, वो तो आप तो गुनगुन को घूम के भी नहीं देखेगी। तो भाई समर जी, अभी आप क्या करोगे अभी आप देखो, और वहाँ अभी गुनगुन के पापा क्या करने वाले हैं, अब तो मुझे ये भी चिंता लगा, गुनगुन के पापा भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं सब मिलके क्या होता है क्या नहीं होता है। पर भाई आज तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़मींदारनी को फाइनली फ्लैट वापस देना ही पड़ा, और अब देखते हैं क्या क्या और मज़ा आने को है। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।